जिले में पुलिस की कमान संभालते हमीरपुर के एसपी अरजीत सिंह ठाकुर सिंघम बन गए हैं। उन्होंने ज्वाइन करते ही नशे का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसना आरंभ कर दिया है। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर जिला मुख्यालय बाजार से दुसड़का, डुग्गा, कोहली और भीड़ा में दबिश देकर शराबियों को खदेड़ा और अवैध रूप से शराब ले जा रहे व्यक्ति व नशे का कारोबार करने वालों पर कार्रवाई की। एसपी के अचानक एक्शन में आते ही नशे के कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है इस तरह की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। वहीं एसपी हमीरपुर अरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि पूरे जिला में कार्यवाही करते हुए 15 केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें 8 मामले चरस के हैं और 5 मामले हीरोइन के दर्ज हुए हैं। उन्होंने बताया कि इन 15 केसों में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी लोगों से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि इनके सरगना को पकड़ा जा सके और नशे को जड़ से खत्म किया जा सके। जनवरी 2019 से लेकर आज तक हमने टोटल 15 केसेस रजिस्टर किए हैं पूरे हमीरपुर में, अलग अलग थानों में। इसमें 8 केसेस जो हैं चरस के हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 1.35 केजीज चरस पकड़ी गई। उसके अलावा हेरोइन के हवाले हमने 5 केसेस रजिस्टर किए हैं, जिसमें क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, 54 ग्राम्स के आसपास। चूरा पोस्ट भी हमारे 2 केसेस रजिस्टर हुए हैं, यहाँ पे 11.5 किलो के आसपास जो हमने ये टोटल क्वांटिटी पकड़ी है। इन्हीं मामलों में जो 15 केसेस हैं, इनमें टोटल हमने 17 लोगों को अरेस्ट किया है और ज़्यादातर केसेस में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। एंड हमारा ये जो एफर्ट है टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द सप्लाई ऑफ ड्रग्स एंड कॉन्ट्राबैंड्स इन हमीरपुर, वो जारी रहेगा और हम इसमें और भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि थोड़ी अवेयरनेस बढ़े, ड्रग्स की डिमांड साइड से कम करने के लिए हम जो एफर्ट करने पड़ेंगे स्कूल्स और आम जनता के साथ जो डिस्कस करना पड़ेगा वो हम कर रहे हैं और करेंगे आगे।